हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होममेड बन की रेसिपी, जिसे हम पाव कहते हैं। और इसे हम अपने घर पे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं और ज़्यादा हमें इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। कम चीज़ों के साथ हम अपने घर पे फ्रेश बन बना के रेडी कर सकते हैं। तो आप भी मेरे साथ इस रेसिपी को देख लीजिए कि होममेड पाव मैं कैसे बना रही हूँ। और इसे आप कभी भी अपने घर पे बना सकते हैं, फ्रेश, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई किया तो। तो मैं इसको बना रही हूँ, तो आप भी देखिए इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने 1 स्पून लिया है ईस्ट, ये ड्राई ईस्ट मैंने लिया है 1 स्पून। इसे एक्टिवेट करेंगे हम ईस्ट को। अब शुगर डालूंगी इसके अंदर में 1 से 2 स्पून के करीब। 1 स्पून ईस्ट में मैंने 2 स्पून शुगर डाला है। अब लुकुम वाटर डालूंगी, यानी हल्का गुनगुना पानी। इन सबको मिक्स कर लेंगे। मैंने 1/2 कप डाला है लुकुम वाटर। कवर करके इसको मैं एक्टिवेट होने के लिए रख दूँगी और मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है, ऊपर से इसके पूरे बबल आ चुके हैं, ये फर्मेंट हो चुका है अच्छे से। अब मैदा ले लेते हैं हम। तीन कप के करीब मैंने मैदा लिया है। इसको अच्छे से पहले हम छान लेंगे। अब इसके अंदर हम जो एक्टिवेट ईस्ट है हमारा, वो डाल के मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मैंने 1/2 स्पून मैदे के अंदर मैंने सॉल्ट भी लिया था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मैदे में मिक्स करेंगे पहले तो। और थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर लुकम वाटर, यानी हल्का गुनगुना पानी डाल के मिक्स करती जाऊंगी आटे को। आप गुनगुने पानी की जगह पे दूध भी ले सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करके एक डो बना लेंगे हम मैदे का, और इसको नीट करेंगे अच्छे से। इसे बहुत अच्छे से हमें मसलते हुए नीट करना है, आटा लगाना है हमें। एक सॉफ्ट सा आटा हम लगाएंगे, थोड़ा ये चिपचिपा ही रहेगा स्टार्टिंग में। इसके अंदर हम 1 से 2 स्पून के करीब बटर डाल के इसको मसलते हुए आटे को और लगाएंगे, यानी नीट करेंगे इसको। जब तक ये डो हल्का ना हो जाए वेट में, तब तक इसको अच्छे से मसलना है हमें, ताकि डो के अंदर एक लचीलापन आ जाए। और डो को मसलते मसलते आपको कम से कम 8 से 9 मिनट लगेगा, तब जाके ये हमारा पाव का डो रेडी हो जाएगा। और आपको हाथ पे लेने पे पता भी चलेगा ये, क्योंकि वेट में बहुत हल्का लगेगा आपको हाथ में लेने पे। उसको मैं 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी गर्म जगह पे फर्मेंट होने के लिए, और 3 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। डो हमारा फर्मेंट हो चुका है। और हाथ में हल्का सा सूखा मैदा मैंने लगा के डो पे हल्का हल्का पंच कर दिया है, ताकि इसके अंदर जितने एयर बबल बने हैं वो निकल जाएं। इसको फिर से मैं एक बार नीट करूँगी, अच्छे से मसलूँगी। और मसल के फिर मैंने इसके 4 पीसेस कर लिए हैं, यानी 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लिया मैंने। और इन
चारों हिस्सों से मैं तीन तीन हिस्से निकाल के डो को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसकी अच्छी सी एक बॉल बना लूँगी इनकी लोइयों से। और आपको एकदम चिकना डो बनाना है, यानी लोई बनानी है। कोई भी क्रैक या कोई भी इसमें बबल्स नहीं होने चाहिए। दोनों हाथों के बीच में इसको अच्छे से दबाते हुए आप इसको गोल राउंड शेप देते हुए इसको एक बॉल जैसा बना लीजिए। ऊपर से इसको आप चिकना डो मलते हुए नीचे की तरफ आप इसको लाके अंदर की तरफ दबा के इसको आप फिनिश कीजिए। और ये कंप्लीट हो चुका है। इसको भी मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी फॉर्मेंट होने के लिए। और 1 घंटे के बाद ये देखिए फॉर्मेंट हो चुका है, अपने शेप से ये डबल हो चुका है। और इसके ऊपर मैं अब ये दूध का ब्रश करूँगी। मैंने 1 स्पून ऑयल में 3 स्पून दूध डाला था और उसका ब्रश मैंने बन के ऊपर लगाया है। और इसको मैंने 180 पे रख दिया था 30 मिनट के लिए ओडीजी में बेक होने के लिए। और 30 मिनट्स के बाद मैंने निकाल के इसके ऊपर मैं बटर लगा रही हूँ। और फिर मैंने इसको 2 मिनट के लिए फिर रख दिया था ओवन में ताकि थोड़ा ऊपर से कलर और आ जाए। और ये हमारा पाव बन के रेडी है। और गरम पाव के ऊपर आप एक एक गीला कपड़ा और यानी फटाफट कोई इसके भी ऊपर किचन टॉवल कुछ भी गीला करके आप इस पर रख दीजिए 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद हटा दीजिए। इससे हमारे पाव एकदम सॉफ्ट बने रहेंगे। और ये बन के रेडी है पाव सर्व करने के लिए।